हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास थ्री, मैथ्स की क्लास थ्री है आज। और जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्याएं कैसे लिखी जाती है। आप लोगों ने क्वेश्चंस में देखा होगा कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या सात अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस तरीके की जो संख्याएं होती है, इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं और आसानी से आप सभी संख्याएं लिख पाएंगे। तो देखिए, आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास सिक्स के लिए जो बैच चल रहा है हमारा, फ्री बैच, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको दी जाएंगी, लक्ष्य बैच कक्षा छठवीं के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग भी इस लक्ष्य बैच से जुड़ पाए और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। यहाँ पर आप लोगों को फ्री वीडियो लेक्चर मिले देंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 से लेकर 2022 तक नवोदय स्कूल में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा और एक नवोदय बुक्स का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो नवोदय ट्रिक्स को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो हमें क्या सीखना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है, सबसे बड़े अंक के नंबर कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर बच्चों, हमें कोई भी नंबर अगर लिखना है तो वह नंबर जो होते हैं वह किन अंकों से बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ठीक है। जितने भी नंबर हमारे होते हैं इन्हीं अक्षर से मिलकर बने होते हैं। हम कोई सी भी संख्या लिख लें, वह सारी की सारी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनी होती है बच्चों, इतना तो आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास फर्स्ट में यह सारी जानकारी बता चुका हूं। अब यहां पर अगर बात कर ली जाए कि बड़ी संख्याएं लिखी कैसे जाती है, तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए बच्चों, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बोली जाए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब यहां हमसे बोला है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको, तो देखिए, एक अंक मतलब जिसमें सिर्फ एक डिजिट हो वो होती है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब सिंगल डिजिट का मतलब, इन नंबर्स में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, इन नंबर्स में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा जो ये 9 है, ये सबसे बड़ा है, 9 आप लोगों को नजर आ रहा है। तो सिंगल अंक की मतलब सिंगल डिजिट की या एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है बच्चों, 9 है। सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। अब आपसे पूछा जा सकता है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा जा सकता है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कैसे लिखेंगे हम दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब इसे कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यह भी सीख लीजिए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना होगा, देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो दो अंक स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से, जैसे हमने 9 के बाद 10 लिखा, तो देखिए यहां से दो अंक स्टार्ट हो गए। अब ये दो अंक जाते कहां तक है बच्चों, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद तो यहां पर 3 डिजिट हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99, ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99। देखिए यहां पर काफी जादू होने वाला है, ध्यान से देखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा जा सकता है बच्चों, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पर देखिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है हमें, तो जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है बच्चों, हम 9 को उतने टाइम्स लिखते हैं जितने अंकों की संख्या हमसे पूछी गई है। अब यहां पर देखिए कितने अंकों की संख्या पूछी गई है, तीन अंकों की संख्या पूछी गई है, मतलब हमें 9 को यहां कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है बच्चों, कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम, तीन बार हमने 9, 9, 9 लिख दिया और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी बनकर तैयार हो गई। इसी प्रकार से कितने भी अंकों की संख्या आप लोगों से पूछी जाए बड़ी संख्या, तो आप 9 को उतनी बार लिख देंगे और आप लोगों की बड़ी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपसे पूछ लिया जाए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या। अब ये पूछ ले रहा है बच्चों कि सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या करना है हमें, नाइन को उतने टाइम्स लिखना है जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है। तो यहां पर सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, मतलब आपको नाइन को कितने टाइम्स लिखना है, यहां पर देखिए सेवन टाइम लिखना है, नाइन को कितने टाइम लिखना है, सेवन टाइम, और ये हमारी सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों कि छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जल्दी से बताइए छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, नाइन को कितने टाइम्स लिखेंगे, सिक्स टाइम लिखेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बच्चों, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम हमने यहां पर नाइन को लिख दिया और हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई बच्चों, क्या प्राप्त हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं। अब देखते हैं हम कि छोटी संख्याएं कैसे लिखी जाती है, तो छोटी संख्याएं आप लोग देखेंगे तो यहां पर हमें लिखना क्या सीखना है, अब सबसे छोटी संख्याएं क्या लिखना सीखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है आप लोगों को यह लिखना सीखना है बच्चों। तो देखिए सबसे छोटी संख्या अगर हमें लिखना है तो इसे कैसे लिखते हैं यह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी क्या लिया था हमने कि जितने भी संख्या होती है वो कितने अंकों से मिलकर बनी होती है, इन अंकों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जीरो के नाम से जानते हैं। जितने भी संख्याएं होती हैं इन्हीं दस अंकों से मिलकर बनी होती है, कोई सी भी संख्या देख लीजिए इन दस अंकों से बाहर नहीं जाती है। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है तो देखिए यहां पर पहले आपसे पूछा जा सकता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहां हमें लिखना है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है बच्चों। तो आप देखेंगे एक अंक मतलब सिंगल डिजिट, अब सिंगल डिजिट की जो संख्या है वो तो यहां पर आपको इस लाइन में दी हुई है, तो अब इसमें देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यहां पर सबसे छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों जीरो, सबसे छोटा यहां पर क्या दिख रहा होगा, यहां पर आप लोगों को जीरो सबसे छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जीरो तो कोई संख्या होती नहीं है, जीरो का कोई मान होता है क्या, कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं। इसे जैसे ये मान लीजिए एक पेन है, ये क्या बच्चों एक पेन है, हम इसे क्या बोलते हैं एक पेन है, ऐसा बोलते हैं क्या जीरो पेन है, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहां पर जो सबसे छोटा नंबर है वह कौन सा है, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, वन है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वन। आप देखते हैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखेंगे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने वाले बच्चों, तो प्रश्न में आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों से बन सके। तो सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए जब भी आपको छोटी संख्या लिखना होगा सबसे पहले आप लिखेंगे वन, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप वन, और इसके बाद लगाएंगे जीरो, इसके बाद क्या लगाएंगे जीरो, छोटी संख्या लिखने के लिए बाद में क्या लगाते हैं जीरो, तो यहां पर हमने एक जीरो लगाया, तो देखिए ये दो अंकों की संख्या हो गई, एक तो ये वन और एक जीरो मिला के दो डिजिट हो गए, मतलब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई टेन। छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले वन लिखा जाता है और उसके बाद इतने जीरो लगाए जाते हैं, तो इतने की जितने यहां पर पूछा गया उससे एक कम, मतलब यहां दो पूछे गए तो कितने जीरो लगेंगे एक, क्योंकि यह दोनों मिलाकर दो डिजिट हो जाती है। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना कैसा है, तो यह तो मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को समझाया जाए बच्चों, बाकी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करके बताना है। अब यहां देखेंगे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या देखना हमें, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें देखना है, छोटी संख्या, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या लिखना है मतलब सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वन, मैंने बताया ना सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो नाइन को उतने टाइम्स लिख दो जितने अंकों की पूछी जाती है, और सबसे छोटी लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं वन, और फिर जितने अंकों की पूछी गई है, कितने अंकों की, तीन अंकों की, उससे एक कम जीरो, मतलब तीन से एक कम मतलब दो जीरो, यहां पर देखिए तीन डिजिट हो गई, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, सौ हो गई। आप समझ में आ गया आप लोगों के कि कैसा किया जाता है, तो जल्दी हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर आपसे पूछ लिया जाए छह अंकों की सबसे छोटी संख्या, छह अंकों की सबसे
छोटी संख्या, ये पूछ ली जाए बच्चों की छह अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको बताना है तो क्या करेंगे हम, सबसे छोटी बताना है मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन, और फिर कितने अंकों की पूछी गई है, छह, मतलब एक कम पांच जीरो यहां पर लगाना है। तो देखिए छह से एक कम पांच जीरो यहां पर हम लगा देते हैं, यह हो गए हमारे, अब इन्हें काउंट कीजिए तो तीन और तीन छह अंकों की संख्या हो गई। तो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों लिखने के तरीके हमने सीख लिए बच्चे। अब देखते हैं हम इनके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन में बताऊंगा और आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। यहां पर देखिए यह रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप लोगों को हल करके बताना है कि क्या आएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहां पर जल्दी से क्वेश्चन आप सभी को नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में दिया है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना, क्या पूछा गया है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सबसे छोटी संख्या लिखना है और कितने अंकों की लिखना है, तीन अंकों की बच्चों, कितने अंकों की लिखना है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, छोटी लिखना है मतलब पहले क्या लिखेंगे, वन, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, वन, और फिर जितने अंकों की यहां पर पूछी जाती है उससे एक कम जीरो, तीन अंकों की पूछी गई है तो यहाँ कितने जीरो लगाना है, दो। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी बनकर तैयार हो गई, तो हमारा आंसर क्या आया, 100। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी बनकर तैयार हो गई बच्चों, और वह क्या होती है, 100 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले क्या पूछा गया है, चार अंकों की सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी, पहले तो दोनों संख्याएं हम निकाल लेते हैं, चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहले हम निकालते हैं। तो देखिए यहां पर चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, चलिए निकालते हैं यहां पर एक क्वेश्चन और, इससे पहले आप लोग करके बताएंगे मुझे। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिया है, यहां आपसे पूछा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है बच्चों, वो भी दो अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नाइन को लिखते हैं, और नाइन को कितने टाइम लिखा जाता है, जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है, तो कितने अंकों की संख्या पूछी गई है, दो अंकों की, तो यहाँ हमने नाइन को टू टाइम लिख दिया, तो हमारा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई बच्चों। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। चलिए अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पर, तो हमारा प्रश्न ये था, ये वाला प्रश्न था, तो चलिए इसे करके आप लोगों को बताना है। ये रहा क्वेश्चन हमारा, चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, पूछा गया है चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा बच्चों, आप लोगों से यहां पूछा गया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, चार अंकों की सबसे बड़ी, पहले तो इतना लिख लेते हैं, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें बच्चों, तो जब भी हमें बड़ी संख्या लिखना होता है हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नाइन को लिखते हैं, और कितने टाइम्स लिखते हैं, जितने अंकों की संख्या पूछी गई हो। तो यहां पर चार अंकों की पूछी गई है, तो नाइन को हमने यहां पर फोर टाइम लिख दिया, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी बनकर आ गई। अब यहां पर सबसे छोटी भी पूछी गई है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए चार अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं बच्चों, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जब सबसे छोटी संख्या लिखना हो बच्चों तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वन, छोटी संख्या के लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वन, और फिर जितने अंकों की पूछी जाती है उससे एक कम लगाते हैं जीरो। तो यहां पर चार अंकों की पूछी गई मतलब आपको कितने जीरो लगाना है, तीन जीरो लगाना बच्चों, कितने जीरो लगाना है, तीन जीरो। तो देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या दोनों ही हमारे पास आ चुकी है। अब आपसे पूछा गया है कि इनका योगफल क्या होगा, क्या पूछा गया है, योगफल। अब योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपसे बोल दिया जाए दो और चार का योगफल क्या होगा, तो टू प्लस फोर कितना हो जाएगा, सिक्स, समझ गए आप, टू प्लस फोर कितना हो जाएगा, सिक्स।
तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है योग फल कितना होगा, क्या पूछा गया है योग फल कितना होगा, तो चलिए लिखते हैं योग फल। अब योग फल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है मतलब यहाँ पर 9 9 9 9 चार टाइम 9 9 और यहाँ पर 1 0 0 0 दोनों को जोड़ के आंसर ले आएंगे। तो यहाँ देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 यहाँ भी 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। करेक्ट आंसर क्या आया बच्चों 10,999 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गया बच्चों पहले सबसे बड़ी संख्या निकालना है फिर सबसे छोटी और उसके बाद क्या कर देना है उन संख्याओं का योग फल आप लोगों को ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इजी है, आप लोगों से मुझसे पहले बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर लिखना हमें सबसे बड़ी संख्या। चलिए तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं हम, तो देखेंगे आप लोग 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें क्या कहा जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं 9 से स्टार्ट करते हैं। बड़ी संख्या लिखने के लिए कहां से स्टार्ट करते हैं 9 से स्टार्ट करते हैं। और कितनी बार लिखा जाता है, जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है 9 को उतने टाइम लिख देंगे तो हो जाएगी हमारी वह बड़ी संख्या। तो देखिये 3 4 5 6 और ये 7, 9 को यहां पर हमने 7 टाइम लिख दिया बच्चों, तो हमारा क्या आ गया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। आगे देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और है आप लोगों के रिवीजन के लिए ताकि आप लोग बेहतर कर पाए। तो देखिए यहां पर फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों से हटके, यहां पर देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से ध्यान देंगे आप, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो पहले हम लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की अगर बड़ी संख्या लिखना बच्चों हमें, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे 9 को 5 टाइम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी। देखिए यहां पर हमने 9 को 5 टाइम लिख दिया तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हमारी आ गई बच्चों। अब आगे बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब हमें क्या करना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं और इसके बाद फिर क्या करेंगे यहां पर जितने अंकों की पूछी गई है उससे एक कम लगाएंगे 0, 4 अंकों की पूछी गई है तो यहां लगा देंगे 3 0, तो देखिए ये कुल मिला के 4 अंक हो गए। अब क्या पूछा गया इन संख्याओं का योगफल, क्या पूछा गया बच्चों योगफल, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली बच्चों हमने और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल ली, अब इनका हमें बताना क्या है योगफल बताना। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, अभी मैंने बताया था ना सम ऑफ दिस नंबर, आपको इंग्लिश में ऐसा मिल सकता है और हिंदी में मिलेगा योगफल, सम बताना है इसका योग बताना है तो इन्हें जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 9 9 9 5 10 9 लिखना है और प्लस करना है यहाँ पर 1000 को, तो पीछे से हमेशा नंबर को लिखा जाता है पीछे वाले नीचे वाले नंबर को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे नहीं तो गलती कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें जोड़ना है तो क्या करना होगा हमें 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 यहाँ 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 कैरी आया 1 9 और 1 मिलाकर 10, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 1,00,999, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से नंबर्स को जोड़ा जाता है, और अभी हम इसके अंतर वाले क्वेश्चन मतलब घटाने वाले प्रश्न भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से अंतर वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें ताकि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पूछा क्या गया है, यहां पूछा गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहां पर पूछा गया है 6 अंकों की सबसे छोटी
संख्या तथा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। अब हमें लिखना क्या है, देखिए तो यहां हमें लिखना है छह अंकों की सबसे छोटी, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो बच्चों छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, वन, और उसके पीछे कितने जीरो लगाते हैं, जितने अंकों की यहां पूछी गई उससे एक कम। छह अंकों की पूछी गई तो पीछे कितने जीरो लगाएंगे, फाइव जीरो लगाएंगे। सिक्स डिजिट की पूछी गई है तो फाइव जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा गया, चार अंकों की सबसे बड़ी, क्या पूछा गया है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया बच्चों। तो देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखना है तो हमें जितने अंकों की पूछे जाते हैं हम नाइन को उतने टाइम्स लिख देते हैं बच्चों। ये हमारी देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर आ चुकी है और छह अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमारे पास है। अब इनका क्या बताना है आप लोगों को, यहां देखेंगे आप अंतर, क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। अब अंतर होता क्या है, तो अंतर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, अंतर निकालना है इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है घटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इन्हें घटा कर लिखते हैं। तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वह बड़ी संख्या, जिसमें कम डिजिट होगी वह छोटी संख्या। तो देखिए इसे हम कर लेते हैं जल्दी से, यह हमने लिखा ऊपर वाला नंबर यहां पर कितने जीरो, फाइव जीरो बच्चों। देखिए यहां पर जल्दी से मैंने लगा दिया फाइव जीरो, हमें माइनस करना है तो नीचे वाले नंबर को पीछे से लिखा जाता है हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यह हमने लिख दिया, अब इसे माइनस करना है। तो देखिए जीरो में से नाइन जाता है क्या बच्चों, नहीं जाता है, यहां कहीं भी जीरो में से नाइन नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से उधार लेंगे, तो यहां बचेगा जीरो, ये इधर बन देगा तो यहां हो गया टेन, इसे काटेंगे यहां बचेगा नाइन, वन इधर देगा तो कितना हो गया टेन, और फिर इसी प्रोसेस से आगे सब कुछ चलता रहेगा। ये अपने पड़ोसी को नाइन, यहाँ नाइन बचेगा इधर देगा, लास्ट तक आपको इस तरीके से लेकर जाना है। यहाँ नाइन बचेगा ये इसे देगा तो लास्ट में क्या हो गया टेन, लास्ट में क्या हो गया बच्चों टेन। देखिए अब टेन में से नाइन गया तो यहाँ कितना बचा आप लोगों को बताना है, टेन में से नाइन गया तो कितना बचा जल्दी से बताएंगे, टेन में से नाइन गया तो बचा वन, टेन में से नाइन गया तो कितना बचा बच्चों वन, नाइन में से नाइन गया तो बचा जीरो, यहाँ भी नाइन में से नाइन गया जीरो, यहाँ भी नाइन में से नाइन गया जीरो। अब देखिए यहाँ नाइन के नीचे कुछ नहीं मतलब नाइन बचा है, तो देखिए करेक्ट आंसर, ये जीरो तो लिखेंगे नहीं, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आप लोग यहां देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा आया है, देखिए ये रहा हमारा करेक्ट आंसर 90,001 रुपीस या फिर 19,001, इनका डिफरेंस या अंतर आया है। आप लोगों से इंग्लिश में डिफरेंस और हिंदी में अंतर बोलकर पूछा जाएगा, तो इस तरीके से इन नंबर्स को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखना और इसका आंसर भी आप लोगों को मुझसे पहले कर बताना है। यहां पर क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान से देखेंगे, छह अंक की छोटी छोटी संख्या तथा चार अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ये तो अभी हम कर चुके हैं ना, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां पर ये रहा आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन, यहां पूछा गया है बड़ी से बड़ी सात अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी आठ अंकों की संख्या का अंतर कितना होगा। क्या पूछा गया बच्चों ध्यान से देखेंगे, बड़ी से बड़ी सात अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी सात अंकों की संख्या, तो यहां पर देखना है हमें बड़ी से बड़ी सात अंकों की संख्या। ये देखिए तो हम लिखते हैं पहले बड़ी से बड़ी मतलब सात अंकों की बड़ी संख्या, पहले तो ये लिखना है बच्चों हमें सात अंकों की बड़ी संख्या। अब ये लिखा हमने तो सात अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लिखना है मतलब नाइन को कितने टाइम लिखना है, सेवन टाइम लिखना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम हमने नाइन को लिख दिया मतलब सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी आ चुकी है। अब आगे पूछा गया है छोटी से छोटी आठ अंकों की संख्या, छोटी से छोटी आठ अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो देखिए आठ अंकों की छोटी संख्या, आठ अंकों की छोटी संख्या ये हमें बताना है, आठ अंकों की छोटी संख्या। तो चलिए आठ अंकों की छोटी संख्या लिखना है, तो आप यहां देखेंगे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम वन, सबसे पहले हम लिखते हैं वन और उसके बाद लगाएंगे उतने जीरो जितने अंकों की यहां पूछी गई है उससे एक कम। तो आठ अंकों की पूछी गई है तो कितने जीरो लगाना है, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां पर हमने ये इतने लगा दिए जीरो, ठीक है। अब पूछा क्या गया है ये देखना है, तो यहां पर इनसे पूछा गया है अंतर, क्या पूछा गया इनका अंतर आपसे पूछा गया बच्चों। अब अंतर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों घटाना है इनमें से।
अब देखिए घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़े नंबर को ऊपर लिखना होगा और छोटे नंबर को नीचे। बड़े नंबर में से ही तो छोटा नंबर घटाया जाता है, लेकिन अब देखा जाए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा नंबर और जिसमें कम डिजिट होंगी वो छोटा नंबर। अब ज्यादा डिजिट किसमें, देखिए ये 8 अंकों की है और ये 7 अंकों की, तो 8 अंकों वाली बड़ी होगी। इसे यहां लिखते हैं हम 1, 2, तो देखिए यहां पर कितने हमें जीरो लगाना है, ध्यान से देखेंगे 7 जीरो लगाना है, तो 3 और ये 4 हो गए 7 जीरो और 1 मिलाकर 8 डिजिट की संख्या बन गई। अब यहां पर 7 डिजिट की माइनस करना है, तो इसे पीछे से लिखा जाता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप गलती कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां पर लिख दिया इसे। अब इसे करना क्या है, माइनस। इसे करना क्या है, माइनस करना है बच्चों। ठीक है, अब माइनस करना है तो ध्यान से देखिए, फिर हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, क्योंकि जीरो में से 9 तो जाता नहीं, तो सेम वही करते जाएंगे। यहां पर देखिए जीरो बचेगा, 1 इधर आएगा, फिर ये अपने इधर देगा, तो यहां बचेगा 9, इधर आएगा 1, यहां बचेगा 9, ये इधर 1 दे देगा, तो यहां 10 हो जाता है, फिर 9 ये अपने पड़ोसी को दे देता है, फिर यहां से ये अपने पड़ोसी को देता है, तो यहां 9। इस तरीके से यह प्रोसेस चलती रहती है बच्चों। लास्ट में बचता है 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा बताओ, तो 1, और इधर 9 में से 9 गया 0, 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 यहां भी 9 में से 9 गया 0, 0, और यहां तो ऑलरेडी पहले से 0 है। तो राइट आंसर क्या है इसका, देखेंगे आप लोग, राइट आंसर आया है 1। राइट आंसर क्या है बच्चों, 1 आया है इनका डिफरेंस। आप देखिए यहां पर ट्रिक सीखना है आपको, ये तो मैंने आपको मेथड बता दी, अब ट्रिक इससे भी मतलब ज्यादा अच्छी। देखिए कैसे, जब इन अंकों में, देखिए यहां पर इन अंकों में देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो ज्यादा अंक वाले हैं उसकी छोटी संख्या पूछी जाए, जैसे, और इनमें डिफरेंस सिर्फ 1 का होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ 1 का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे 7 और 8, या फिर 5 और 6, या फिर 2 और 3, या फिर 9 और 8, ऐसे नंबर्स पूछे जाए रेगुलर, मतलब जिनमें डिफरेंस कितने का हो, सिर्फ 1 का हो। तो यहाँ पे पूछा गया है, और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो ज्यादा अंक वाली है वो क्या होना चाहिए, छोटी संख्या, और बड़ी अंक वाली जो कम अंक वाली जो है वो होना चाहिए बड़ी संख्या। तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ज्यादा डिजिट वाली छोटी संख्या, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कम डिजिट वाली बड़ी संख्या, तो दोनों में हमेशा डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग करके देख लेंगे, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़ना है और आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से करके बताना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए हमें करना क्या है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी पहले, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या लिखना है हमें, तो क्या करना होता है, हम 9 को उतने टाइम लिखते हैं जितने टाइम आपसे जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। बड़ी संख्या जब भी पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जितने अंकों की पूछी गई है 9 को उतने टाइम लिख देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, मतलब हमने 9 को कितने टाइम लिख दिया, 4 टाइम, 4 टाइम लिख दिया है ना। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी, आप देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए, तो यहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या लिखना मतलब पहले लिखेंगे हम 1 और फिर जितने अंकों की पूछी गई है उससे 1 कम 0, तो यहां पर 4 डिजिट की पूछी गई तो 3 0 हमने लगा दिए। अब यहां पर पूछा क्या गया है, योगफल, क्या पूछा गया बच्चों, योगफल। अब योगफल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब इन्हें आपको जोड़ के बताना है कि इनका आंसर क्या आने वाला है, बच्चों जल्दी से बढ़ के बताएंगे, मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। देखिए इन्हें प्लस करना है तो यहीं पर प्लस कर देता हूं मैं, देखिए इन्हें प्लस करना है तो ये हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है बराबर नंबर है इसलिए हमने यहीं पर जोड़ दिए। 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, यहां भी 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10। तो देखिए क्या आया, 10,999, ये इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया बच्चों। तो ये थे आज के हमारा पूरा सेशन, पूरे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए लाए गए थे नंबर से रिलेटेड, ताकि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो यहां पर अब आप लोग देखेंगे बच्चों,
कि हम लोगों की ये क्लास कंप्लीट होती है और आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाई जा रही है। आप लोगों ने यदि तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस फ्री लक्ष्य बेस से जुड़ जाए, जिससे कि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आप लोगों का भी नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। ठीक है बच्चों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का नाम जरूर याद रखेंगे, नवोदय ट्रेक्स। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है बच्चों। गुड बाय बच्चों, जय हिंद।